उम्मीद है कि इस साल भी स्कूलों के चंडीगढ़ के ट्राई सिटी के सारे बच्चे इतने पार्टीसिपेट करेंगे ते एक फेस्टिवल का एक माहौल होएगा रोज़ फेस्टिवल पंजाब यूनिवर्सिटी ते एक बड़ी अच्छी सक्सेसफुल इवेंट होएगी। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर पर्यावरण शिक्षा के बारे में सिख समुदाय के बीच जागरूकता फैलाने के मकसद से अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संस्था इकोसिख ने आगामी 14 मार्च का दिन सिख पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा वीरवार चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता के दौरान की। अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संस्था ने आगामी 14 मार्च 2014 का दिन सिख पर्यावरण दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर परंपरागत शिक्षाओं के बारे में सिख समुदाय के बीच जागरूकता फैलाने जैसे नेक कार्यों में जुटी और लोगों को यह बताने की कुदरत को बचाए जाने की दिशा में सकारात्मक पहल कर सकते हैं। इसके लिए विख्यात अग्रणीय संस्था ने इस आशय की घोषणा वीरवार यहां पत्रकार वार्ता में की। इस बड़े दिन के महत्व का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि सिखों के 7वें गुरु हरराय जी को राजगद्दी इसी दिन मिली थी, जो खुद एक प्राकृतिक प्रेमी होने के साथ साथ उसके बड़े संरक्षण के रूप में विख्यात हैं। और इसी मौके इकोसिख के अध्यक्ष डॉक्टर राजवंत सिंह ने वॉशिंगटन से स्काइप पर पत्रकार वार्ता में हिस्सा लेते हुए बताया कि यह दिन प्राकृतिक और दुनिया भर में अन्य बाशिंदों की देखभाल के प्रति हमारे लिए वचनबद्धता का स्मरण करता है, जो गुरु हर राय की शिक्षाओं पर आधारित है। और पूरा भरोसा है कि एक बार फिर पंजाब और दुनिया भर में सिख इस धरती को बनाए रखने में अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इकोसिख की ओर से पत्रकार सम्मेलन में सिख पर्यावरण दिवस संबंधी टीवी कैंपेन भी लोकार्पित किया गया। इकोसिख के इंडिया प्रोजेक्ट के निदेशक रमनीत सिंह ने बताया कि बदलते समय के साथ एक छोटी सी वीडियो तैयार की है, जिसे पंजाब, भारत और यहाँ तक की विदेशों में टीवी चैनल्स पर प्रसारित किया गया है, जिसमें दुनिया भर के सिखों को यही सोच के साथ सिख पर्यावरण दिवस का हिस्सा लेने के लिए न्योता दिया जा रहा है। इको सिख एक अवेयरनेस मूवमेंट है जेड़ा के गुरबाणी दे विच जेड़ा नेचर प्रति, कुदरत प्रति, पवन पानी दे धरती प्रति जो है संदेश, उस प्यार दा, उदी प्रोटेक्शन दा, ते जो साडे गुरु साहब, गुरु हर राय साहब जी ने नेचर प्रिजर्वेशन लई अपनी हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री च कीता, उसनों उजागर करके संगता तक पहुँचाने का एक एफर्ट, उसका नाम इकोसिख। जेड़ा साडा रीसेंट जेड़ा टॉप प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है मार्च 14 नूं गुरु हर राय साहब जी का गुरगद्दी दिवस है, जिन्हों की असं अपील कर रहे हैं कि सारा सिख जगत इस दिन नूं सिख वातावरण दिवस, सिख एनवायरमेंट डे की तरह मनाए। हरेक घर विच, हरेक गुरुद्वारे दे विच, कॉलेज यूनिवर्सिटियां जां जथेबंदियां दे विच रुख लगाए जाण, कीर्तन सैमीनार पानी दे उपर जां आले दुआले सफाई दे प्रबंध, पानी दी बचत ते होर जिहड़े अनेक ही विषय ने जिहड़े नेचर दे संबंधी, नेचर प्रोटैक्शन प्रिजर्वेशन ते कंजरवेशन दे संबंधी, ये सारे मुद्दियां नूं लै के असीं अगे आईए, गुरु घरां तों आवाज़ उठाईए तां कि आम बंदा जिहड़ा धर्म दे नाल जुड़िया वह भी इस दी जिहड़ी एक अहम जिहड़ी है जरूरत नेचर नूं बचाउण दी, वह धर्म दे राहीं अपने मन विच वसा सके, उहनूं समझ सके जो साइंटिफिकली वह नहीं समझ सकदा। कैमरामैन अजय सिंह राणा के साथ दविंदर कच्चा की रिपोर्ट। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ गांधी एंड पीस